जिले का नंबर एक चैनल खबर 24 न्यूज में देखिए खबरें एक नए वीडियो अनुभव के साथ, जिसे देखना, सुनना और शेयर करना भी आसान। जहां झालावाड़ जिले से लेकर मंदसौर जिले तक की खबरें देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें खबर 24 न्यूज। नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानीमंडी नगर पालिका मंडल द्वारा पचपाड़ के वार्ड नंबर 14 में सैयद बाबा दरगाह से इंडस्ट्रीज एरिया तक बनने वाले सीसी रोड के निर्माण कार्य का भूमि पूजन नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा ने किया, जिसकी अनुमंतित लागत 1 करोड़ रुपये आएगी। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय आजतोलिया, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल सचिव अख्तर अली, पार्षद प्रतिनिधि कालू राठौर, पार्षद हरीश राठौर, हकीम खान, वरुण मीणा, राम बैरवा, राजेश बैरवा, कैलाश जजावरा, कैलाश मेघवाल, कालू सिंह परिहार, पार्षद प्रतिनिधि शेख साबिर, ब्लॉक अध्यक्ष सेवादल आनंद काला, विक्की बैरवा आदि मौजूद रहे। भवानीमंडी में दोपहर के समय आंधी तूफान व वर्षा के चलते तेज हवा के कारण भवानीमंडी के अदालत परिसर में लगा पेड़ रोड पर जा गिरा, जिसके चलते वहां 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसके बाद नगर पालिका द्वारा पेड़ को रोड से हटाया गया और सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था को शुरू किया गया। भवानीमंडी के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मोगरा के विभिन्न समस्याओं को लेकर भवानीमंडी पंचायत समिति के विकास अधिकारी प्रभुलाल वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोटा संभाग महामंत्री राणा ने बताया कि गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालत में है, जहां लगभग 40 गांव के लोग इलाज के लिए आते हैं, जिसके मरम्मत करवाई जाए। मोगरा बांध दोनों साइड की रिंग वॉल जो कच्ची रोड दीवार से जुड़ी हुई है, वहाँ भी खस्ता हाल में है, वहाँ कभी भी बारिश से टूट सकती है। कोटड़ा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की 4 दीवारी टूटी हुई है। स्कूल के पास एक छोटा गड्ढा जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें स्कूल के बच्चों के डूबने व दूषित पानी से बच्चों के बीमार होने की आशंका बनी हुई है। कोटड़ा में राम मंदिर से मुख्य रोड तक आने का रास्ता खराब हालत में, जिस पर इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया जाए। इस दौरान नारायण सिंह, बने सिंह आदि मौजूद रहे। चौमेला में युवा कांग्रेस नेता डक, कांग्रेस ब्लॉक सचिव व यूथ कांग्रेस विधानसभा महासचिव नरेंद्र सिंह झाला के जन्मदिन पर द्वारा बनाए गए। इस अवसर पर करनी सेना के नवनियुक्त डग विधानसभा अध्यक्ष लाल सिंह झाला का जिला कांग्रेस महासचिव धीरेन्द्र सिंह उर्फ संदीप बना, कालू बना व बलराम चंद्रपाल, धर्मेंद्र बना सहित बड़ी संख्या में मित्रों ने नवनियुक्त अध्यक्ष लाला सिंह झाला व नरेंद्र सिंह को केक काट कर मुँह मीठा करवा कर जन्मदिन मनाया। मनोथाना राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा मनोथाना का गुरु वंदन व आम बैठक राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय बी ब्लॉक में संपन्न। उपशाखा अध्यक्ष चंद्रमोहन लोधा ने बताया कि हमारा देश ऋषि परंपरा का देश है, यहाँ गुरु का स्थान ईश्वर से भी अधिक बताया गया। वर्तमान समय में गुरु शिष्यों के संबंधों में प्रगाढ़ता को हो, इसी निमित्त गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सीताराम गौड़ ने की। मनोथाना कस्बे के बिनागंज रोड से रात्रि में दुकान के बाहर खड़ी बाइक को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चिकनी निवासी देवचंद लोडा ने बताया कि वह जेसीबी संचालक का काम करता है। वह मनोथाना कस्बे के बिनागंज रोड स्थित गौरी शंकर के मां भवानी एग्रो दुकान पर जेसीबी खड़ी करके दुकान में चला गया। रोड पर से अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। डग में किसानों को मुआवजा सहित कई गति गंभीर समस्याओं के कारण डग तहसील में वर्ष 2022 सोयाबीन खराबे होने के मुआवजे की राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। कलेक्टर द्वारा 2 दिन भुगतान देने की बात कही गई। क्षेत्र में सीएम द्वारा 2 लाख तक के कृषि ऋण माफ करेंगे। कई किसानों के ऋण माफ हो चुके हैं तो कई किसानों के आज तक ऋण माफ इंतजार में बैठे हैं। जिन किसानों के ऋण माफ हुए हैं उन्हें ऋण माफ होने का प्रमाण पत्र नहीं मिला और आहू नदी माता धातुरिया पास की पुलिया क्षतिग्रस्त थी। 10 माह बाद भी रिपेयर नहीं हुई। नदी का टेंडर हो गया है, फिर भी कार्य शुरू नहीं हुआ। सुनेल में प्रदेश सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भले ही लाख जतन कर रही है,
लेकिन व्यवस्थाओं की खामियां, शिक्षकों की कमी के कारण सारे प्रयास बेमानी साबित हो रहे हैं। कस्बे के राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में हिंदी माध्यम में विज्ञान वर्ग, गणित आदि विषयों को समाप्त करने और शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने की मांग को लेकर बुधवार सुबह करीब 8 बजे विद्यार्थियों ने विद्यालय का ताला लगाकर सुनील पिड़ाव मार्ग पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया, जो 2 घंटे तक जारी रहा। विद्यार्थी सड़क पर बैठकर जमा हो गए। विद्यार्थियों का कहना था कि 11वीं व 12वीं हिंदी माध्यम में कई विषयों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, इससे उन्हें हिंदी माध्यम में अध्ययन करने के लिए भवानी मंदिर झालावाड़ जाना पड़ रहा है। इससे उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाम की सूचना मिलने पर सीआई रमेश चंदमीणा, ग्राम विकास अधिकारी सुरेश जैन, पटवारी महेंद्र मीणा मौके पर पहुंचकर विद्यार्थियों से समझाइश की, लेकिन विद्यार्थी नहीं माने। इसके बाद कार्यवाहक नायब तहसीलदार हरिशंकर जांगीर पहुंचकर समझाइश कर जाम को हटाया। वहीं विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कार्यवाहक नायब तहसीलदार जांगीर को दिया। इसमें बताया कि सरकार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को हिंदी माध्यम में अंग्रेजी मीडियम में परिवर्तन करने के बाद हिंदी मीडियम 11वीं के विद्यार्थियों को बैठने के लिए स्थान तक नहीं है। उन्होंने बताया कि सुनेल में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान वाणिज्य संकाय खोला जाए। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन बस स्टैंड पर स्थानांतरित किया जाए। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय को 2 पारियों में संचालित किया जाए। इसमें किसी भी एक पारी में अंग्रेजी माध्यम व दूसरी पारी में हिंदी माध्यम की कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी जाए। वहीं विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाए। क्या मांगे थी आप लोगों की जो आज आपने जाम लगाया? छोटे भैया बहन को 11th क्लास में साइंस हिंदी मीडियम में एडमिशन नहीं मिल रहा, वो मंडी जाते हैं, उसमें दिक्कत आती है, उनको किराया महंगा पड़ता है, वो जो ज़्यादा किराया हो जाता है महंगा। और क्या समस्या है इस महात्मा गांधी में? और इसमें टीचर ने ज्योग्राफी तो पूरी हटाई थी कि आप किसी ले जाओ। आप लोगों ने अधिकारियों से क्या बात हुई आपकी? आप अधिकारी आज तो कुछ खास बात नहीं, वो तहसीलदार साहब आए थे जिनसे बात हुई। किस बात को लेकर तुमने जाम लगाया? हमारे स्कूल में साइंस पढ़ चुकी है, यहाँ पे 11th के एडमिशन नहीं हो रहे, इसलिए हमने यहाँ पे जाम लगाया। कितनी बजे जाम लगा दिया था? हमने 8 बजे। कितनी बजे तक जाम लगा? 10 बजे। क्या अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने बोला अभी 15 दिन की बोला, लेकिन हमें 7 दिन के अंदर अंदर जवाब आ जाना चाहिए ना। आप लोगों की क्या खाली साइंस ही खोलनी चाहिए और भी कोई मांगे हैं? हमारे साइंस और टीचर, साइंस के टीचर ने हमें 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ाया, आर्ट्स के भी नहीं है, जियोग्राफी के टीचर भी नहीं, आर्ट्स वालों के। अगर आप लोगों की मांगेंगे 7 दिन में नहीं मांगी गई तो क्या करोगे? हम बस स्टेशन के स्कूल में वापस हड़ताल शुरू करेंगे। सुनील कस्बे में बुधवार दोपहर करीब 2:40 से शुरू हुई मूसलाधार बारिश का दौर 1 घंटे तक जारी रहा। इससे पूर्व दिन भर धूप निकली, बारिश से सड़कों पर पानी बह निकला। इसके साथ बारिश से पूर्व प्रशासन के द्वारा किए गए आपदा प्रबंधन के दावे की पोल खुलती हुई नजर आई। प्रशासन द्वारा कस्बे के नालियों, बड़े नालों की सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी निचली दुकानों में भरने जैसी स्थिति हो गई। वहीं कस्बे की सड़कें दरिया बन गई। वहीं आने जाने वाले राहगीरों को सड़क पर पानी भरने के कारण निकलने वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए सीसी रोड के नालियों पर ढकान नहीं होने के कारण 2 पहिया वाहन चालक नाली के साइड में गिरता नजर आए। पिड़ावा के मेले मैदान में आज युगांतर संस्थान द्वारा वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पिड़ावा नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों वृद्ध जनों का युगांतर संस्थान अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने माला पहनाकर व साल बैठ कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत सीताराम शर्मा ने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम प्रार्थना गीत से की। वृद्धजनों को संबोधित करते हुए प्रमोद शर्मा ने कहा कि सामाजिक रूप से राष्ट्र का निर्माण करने वाले किसान मजदूर, अपने हाथों से अपना घर बनाने वाली महिलाएं, खेतीहार मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले मजदूरों का सम्मान जरूरी है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा का अधिक से अधिक लाभ मिलना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करने की अपील की। इस दौरान कई वृद्धजनों ने शर्मा को पेंशन संबंधी समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर शीघ्र ही उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। झालावाड़ में निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के अंतर्गत चिकित्सा विभाग झालावाड़ द्वारा आमजन को विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जिला स्तर पर ब्लॉक व सेक्टर स्तरीय सुपरवाइजर रोग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लेखराज मालव ने बताया कि 7 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के माध्यम से आम जन को जागरूक करते हुए जिले को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु प्रचार प्रसार विभाग जारी।
झालावाड़ में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन और समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रवाहन की अध्यक्षता में बुधवार को 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। डॉक्टर चंद्रवाहन ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने में झालावाड़ जिले को राज्य में प्रथम स्थान मिलने पर समस्त अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने विभागों से संबंधित लक्ष्यों की प्रगति को गत वर्ष की भांति नियमित बनाए रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपस्थित 20 सूत्रीय समिति के सदस्यों से निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने को कहा। मध्य प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है। मंदसौर जिले में भी शिक्षा विभाग द्वारा नवीन शिक्षण सत्र के शुरुआती अवसर पर तमाम जरूरी कार्य पूरे किए जा रहे हैं। इन दोनों विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण कार्य किया जा रहा है। मंदसौर शहर के बालागंज स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर को स्टोर रूम बनाया गया है। यहाँ से पुस्तक वितरण का कार्य हो रहा है। अलग अलग विद्यालय के शिक्षक यहाँ पहुंच उपलब्ध पुस्तकों को अपने विद्यालय लेकर पहुंच रहे हैं। विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरण की जा रही है ताकि नवीन शिक्षण सत्र की पढ़ाई समय पर शुरू हो सके। जब मीडिया टीम पुस्तक वितरण केंद्र पर पहुंची तो यहां उन्होंने पाया कि बालागंज हाई सेकेंडरी स्कूल परिसर के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ। मंदसौर शहर के सम्राट मार्केट रोड पर दुकानों के बोर्ड व सम्मान कार रखकर अतिक्रमण रखने वाले दुकानदारों को नगर पालिका ने दी समझाइश। कुछ जगह अतिक्रमण भी हटवाया गया। मंदसौर नगर पालिका में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर सामान रखकर बोर्ड रखकर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे कि वाहन पार्किंग सहित कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार सुबह मंदसौर शहर के संजीत नगर क्षेत्र में 20 वर्षीय छात्रा ने अपने किराए के मकान में आत्महत्या कर ली। छात्रा शहर के एक निजी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते उसने बुधवार सुबह मौत को गले लगा लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची शहर थाना पुलिस ने शव को पीएम हेतु अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचना दी। रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे परिजनों ने जब बेटी को मृत देखा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के मगराना गांव के रहने वाली कुसुम पिता कारूलाल लोहर उम्र 20 साल शहर के एक निजी नर्सिंग कॉलेज की छात्रा है। आखिरकार युवती ने आत्महत्या क्यों की, फिलहाल इसका कारण अज्ञात है। कोतवाली पुलिस ने युवती के परिजनों दोस्त आदि से पूछताछ में जुटी है ताकि युवती के मौत में असल वजह पता लगाई जा सके। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के। नोबल मॉडर्न उच्च प्राथमिक विद्यालय भवानी मंडी। हमारे विद्यालय की विशेषताएं पर्याप्त रोशनी, हवादार कमरे, स्वच्छ वातावरण, खेलकूद मनोरंजन के साधन, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन, कठोर अनुशासन, सुरक्षा निगरानी हेतु सीसीटीवी। एक बार विद्यालय में पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यालय में बाल मेला, मनोरंजन साधन। प्रिय अभिभावक बंधुओं, आपको जानकर खुशी होगी कि विद्यालय परिवार महंगाई के कठिन समय में भी आपकी सहायता के लिए तत्पर है। विद्यालय द्वारा इस वर्ष नए प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को कक्षा LKG से दूसरे तक पुस्तकें व स्कूल बैग निशुल्क दिया जाएगा। हमारे विद्यालय में इस वर्ष 8वीं व 5वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा है व हमारे अनुभवी अध्यापक द्वारा अध्यापन एवं कठोर अनुशासन का परिणाम है। पता: एकता नगर, गरीब नवाज कॉलोनी, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रधानाध्यापक शरीफ मोहम्मद गुड्डू सर, जिनके मोबाइल नंबर हैं 9829334768। सरस्वती पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन। हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लासेस प्ले ग्रुप 2 एट क्लास,
हमारी विशेषता है प्रत्येक क्लासरूम में LED ऑनलाइन क्लासेस, CCTV कैमरे, डिजिटल बोर्ड, प्रत्येक क्लासरूम में अनुभवी टीचर्स। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। एक विशेष विशेषता, LKG UKG फर्स्ट क्लास में न्यू एडमिशन लेते हैं तो स्कूल ड्रेस बुक्स निःशुल्क दी जाएगी, लेकिन 6 माह की एडवांस फीस जमा करवानी होगी। हमारा पता है नाव सर्किल के सामने, रामनगर भवानी मंडी। मदन लाल वर्मा डायरेक्टर, जिनका मोबाइल नंबर है 9214568320, फोन नंबर है 07433294666। भवानी मंडी शहर में एकमात्र स्थान ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। हमारे यहाँ 6 से लेकर 10वीं तक ऑल सब्जेक्ट व 11th 12th में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स व BSc, BA, BCom आदि की क्लासेस ली जाती है। अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस 100% गारंटी के साथ। हमारा पता है मेला मैदान, शांति नगर, मांडवी रोड, भवानी मंडी। प्रॉपर राइटर है महेंद्र शर्मा, जिनके मोबाइल नंबर 7357891932809462997480588057148742। मदर्स लैब, ए प्ले स्कूल, द फ्यूचर बिगिंस हियर। एडमिशन ओपन, नर्सरी, LKG, HKG। बेनिफिट ऑफ आवर क्लासेस, स्मॉल क्लास साइज, लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, डेडिकेट टीचर एंड स्टाफ। हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422, 9887267439। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान। प्रधान ज्योतिष कार्यालय, हमारे यहाँ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, सुंदरकांड पाठ, वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, ग्रह कलेश, निसंतान विवाह, अवरोध व्यापार हानि, जन्म पत्रिका, बगलामुखी जाप अनुष्ठान आदि का ज्योतिष के माध्यम से निवारण के लिए संपर्क करें। प्रधान ज्योतिष कार्यालय दुर्गा मंदिर के पीछे, कोलवी रोड, चोमहला, जिला झालावाड़, राजस्थान। प्रोपराइटर पवन प्रधान पुत्र, स्वर्गीय पंडित श्री रामेश्वर दयाल जी प्रधान, जिनके मोबाइल नंबर हैं 9636527389।